लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। पेन एक ऐसी चीज है जिसे हर इंसान ने कभी ना कभी इस्तेमाल करता है। पेन को इस्तेमाल करते समय हम सभी ने एक चीज पर गौर फरमाई होगी, वो है पेन के ढक्कन में ऊपर की तरफ हुआ एक छेद। हम में से शायद ही कुछ लोग होंगे जिन्हें इस बात का पता होगा कि ऐसा क्यों है। एक आम अवधारणा के अनुसार लोग यह मानते हैं कि यह छेद इसलिए दिया जाता है ताकि पेन के निब की इंक ना सूखे, पर इस बात को सही नहीं माना जा सकता क्योंकि इस तथ्य को इंक सूखने और न सूखने दोनों ही अवधारणा में बताया जा सकता है। तो शायद यह वो कारण नहीं है जिस वजह से यह छेद पेन की कैप में दिया जाता है। एक और अवधारणा यह है कि यह छेद पेन के बंद होने और खुलने पर वायु के दबाव को समान रूप से बनाए रखता है, मगर यह बात सिर्फ उन पेन में सही बैठती है जिनके ढक्कन दबा के बंद होते हैं। घुमा के बंद होने वाले पेन में यह बात तर्कसंगत नहीं लगती है। इसका सबसे अहम कारण ये है कि कई लोगों को आदत होती है मुहर में पेन डालने की। ज्यादातर छोटे बच्चे ऐसा करते हैं। अगर गलती से पेन की कैप मुंह में चली जाए तो क्या होगा, आपने सोचा है? अगर कैप में छेद न होता तो हवा क्रॉस नहीं हो पाती, जिससे जान भी जा सकती है। इस वजह से पेन की कैप में एक छोटा सा छेद बनाया जाता है ताकि अगर कोई बच्चा निगल जाए तो उसकी जान को खतरा थोड़ा कम हो।